अगर जब जब जेल में रहे हैं उनका जीतने का प्रतिशत मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विजय मिश्रा जीत जाएंगे यहाँ से। हाँ, 20 साल से हमारे पार्षदों को उठाने वाला काम किया तो पंडित विजय मिश्र ने किया और कोई नहीं। और कोई बिरादरी नहीं। यहाँ से हमें सांसद ने जीत के चला गया। बड़ी शांति है बीजेपी सरकार में। एडीएम के सामने गोली मारी गई थी बलिया में पाल को। एडीएम और सीओ के सामने तब कहा गया था कानून व्यवस्था। 2002 से यहाँ अपराध मुक्त भय मुक्त कर दिया और लोगों को सम्मानजनक सम्मान मिल रहा है। पहले नंबर पर विधायक विजय मिश्रा जी हैं, उनके नीचे सब। यहाँ की जनता एकदम प्यार से पागल हुई है विजय मिश्रा के लिए, एकदम पागल हो गई है वो। और ये रिकॉर्ड रहा है जब तक वो चुनाव वो अगर जब जब जेल में रहे हैं उनका जीतने का प्रतिशत मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्केट में कभी ऐसा होता नहीं था। किसी व्यापारी भाई के यहाँ कुछ लोग थे जिनका भिजवा देते भैया सामान भिजवा देना, वसूली होती थी। ऐसे स्थिति 20 साल पहले जब से विधायक जी आए हुए हैं तब से ये स्थिति खत्म हो गई। आम आदमी से आम दुकानदार से वसूली नहीं हुई। आप भी एकदम नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है किसी को। कोई किसी से ये गुंडागर्दी क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? मैं राम आ गया थे सर, राम सागर पाल जगापुर ज्ञानपुर। हां, हमारे पाल साहब किसके साथ यहां पे? किसी के साथ में। क्या कारण है? कारण ये है कि शीतल पाल का मूर्ति लगा गया। ब्याह शादी मौका मतलब हमारे यहाँ बिहारी 24 घंटा सेवा करते हैं पालों का। 20 साल से हमारे पार्षद को उठाने वाला काम किया तो पंडित विजय मिश्र ने किया और कोई नहीं। और कोई बिरादरी नहीं। यहाँ से हमें सांसद ने जीत के चला गया। कभी कोई सकल नहीं दिखाई नहीं यहाँ पे। दिखाई दिया तो पंडित विजय मिश्र ने दिखाई दिया। उनके साथ हम लोग इस बार 101 लाख कोई उनको टक्कर में नहीं है। पंडित विजय मिश्र 1 लाख से हेलीकॉप्टर उड़ेगी सर, कोई उनको टक्कर में ज्ञान विधानसभा टक्कर नहीं करेगा। इस बार लेने आए हैं वो सब चूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दिखा देंगे हम साथ के अंदर उसको क्लियर कर देंगे। कैसे चूर करिएगा? रोड के 7 नंबर 7 तारीख को 6 नंबर बटन पर हेलीकॉप्टर को बटन दबा के अमल गोटनी करके पंडित विजय मिश्र को 1 लाख भारी ओर से उसको विजयी बनाएंगे। इतना बटन दब जाएगा कि क्लियर है। 101% गारंटी दे रहा हूँ मैं। 101% पाल बजे से अपने कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी पूरा उनके साथ में। नहीं योगी जी का नारा हम यहाँ ज्ञान विधानसभा विजय मिश्र भी नारा हमारा। हम लोग यहाँ किसी मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं। हम लोग ओनली केवल यहाँ विजय मिश्र विधायक सांसद विधायक हमारे कुल है। नहीं हमसे अकेले से योगी जी से मतलब नहीं यहाँ है। हम लोग ओनली विजय मिश्र विधायक सांसद विधायक कुल हमारा वही। आतंक और भय है यहाँ ज्ञानपुर में? अब नहीं है। अब 2 साल से है विधायक जी का, उसके पहले तो यही कुछ हो रहा था, लेकिन 2 साल से विधायक जी हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोग का प्रचारक को शोषण कर दिया जा रहा है, हम लोग को गली चौराहे रोक दिया जा रहा है। इस समय हम लोग चुनाव विजय मिश्र को अच्छी पार्टियां करी सब पैसे का खेल है यहाँ। नहीं पैसा ऐसी कोई बात नहीं, क्या बोलूँ, कोई कुछ चारा नहीं है। यही एक चारा है बोलने के लिए, कोई चारा नहीं। पैसा से टिकट लेने वाले आरोप लगा रहे हैं। नामांकन हुआ था उसी दिन से मैंने खुला समर्थन दिया था। और रही बात आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बड़ी शांति है बीजेपी सरकार में। एडीएम के सामने गोली मारी गई थी बलिया में पाल को। एडीएम और सीओ के सामने तब कहा गया था कानून व्यवस्था। 2.5 दशक से विजय मिश्रा जी यहाँ विधायक है। 2.5 दशक होने जाएगा, 5वां विधायक बनेंगे। और हम समझ रहे हैं कि 5वीं बार भी कोई पाल समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी न हो। जिले की बात कर रहा हूँ, विधानसभा दूर की बात है। आप जो आंकड़े बता रहे हैं इन आंकड़ों से तो साफ जाहिर होता है चलिए 5वीं बार हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो आंकड़े सपा वाले और निषाद पार्टी वाले यहाँ बता रहे हैं, निषाद पार्टी का नाम बोलिए सर, हवा में आप हवा में जा रहे हैं। ज्ञानपुर की हवा जो है विधायक विजय मिश्र की तरफ जा रही है। किसका जब में हो रहा है स्वामी जी? आ गया भाजपा का सब पार्टी के यहाँ जमानत जब्त हो जाएगा। एक लाख से ऊपर जाएंगे, इसलिए जमानत जब्त की बात तो सही कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर जाएंगे। पंडित जी क्या कह रहे हैं आप? जी भाई मैं रविंद्र कुमार पाल शहीद सीता पाल धनकर उत्थान समिति भदोही जनपद भदोही जिला अध्यक्ष हूँ। पाल समाज के जिला अध्यक्ष का
विधायक जी के आने से हम लोग अपने समाज की बात करें कि जो 1857 की क्रांति में शहीद शीतल पाल जी ने शहीद हुए थे उनको यहाँ के लोगों ने दबा के रखा, क्योंकि पाल समाज को यहाँ दबा के रखा गया, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। जी जी, किसने दबाया? ये यहाँ के MP आने वाले जो भी यहाँ के MP वो उन्होंने दबा के रखा। अच्छा। लेकिन एक ऐसा जननायक KPJ मिश्रा जी आए जो शोषित और कुचले दबलों को आवाज उठाने का काम जिसका नाम है वो विजय मिश्रा, जो पिछड़े थे, शोषित थे, दलित थे, वंचित थे, उनके लिए काम हुआ, आप ऐसा कह रहे हैं? जी जी, उनका काम हुआ, कर रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, सुनिए, सरकार ये कह रही है कि मैं अपराध मुक्त करूंगा, लेकिन यहाँ का आदरणीय विधायक जी ने 2002 से यहाँ अपराध मुक्त, भय मुक्त कर दिया और लोगों को सम्मानजनक सम्मान मिल रहा है। तो फिर उनको अपराधी क्यों कहा जा रहा है? उनको अपराधी बदले की भावना से, अपराधी तो वो इनकी सरकार चल रही है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अपराधी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और माफिया क्रिकेट खेल रहा है और उनको कह रहे हैं की वो 5-5 लाख इनामी घूम रहे हैं और MLC बन गए हैं और विधायक विजय मिश्रा की बात कर रहे हैं जो दलितों को, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को हमेशा जो है सेवा करता रह गया। क्या कह रहे हैं? कौन घूम रहा है? सांसद फूलन देवी का हत्यारा खुलेआम टहल रहा है और संजय निषाद उसी पार्टी में जाकर चिपके हुए हैं और अपने घर से संजय निषाद फूलन देवी को की बहन को लड़ाना चाहिए, उसकी माँ को लड़ाना चाहिए, नहीं फूलन देवी के हत्यारों को लड़ा रहे हैं। ये निषाद पार्टी नहीं है, बिंदो का गढ़ है यहाँ पर, यहाँ निषाद नहीं थे। जिंदाबाद जिंदाबाद।